इस्तीफा दे करके इस हिंदुस्तान की किसानी को बचाने का काम करें। और मैं आप सभी किसान महिला सांसदों से निवेदन करती हूँ कि आप अपने दोनों हाथ उठा करके इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में और सरकार के खिलाफ आप रोष प्रकट कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय, हम ये लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। जय किसान, जय जवान। इस बारे में अगर आप उनसे पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसका मतलब क्या टूट रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, तो आप कह रहे हो ना कि आप कैंडिडेट को पहचानोगे तो अच्छा होगा। जब मैं 8 महीने हो गए तो क्या मुझे इतना नहीं पता कि मुझे किसको सपोर्ट करना? 8 महीने हो गए तो बताइए दो फिर किसको करना है। समय आएगा, समय आने पर सपोर्ट करेंगे और छुप के नहीं करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सीएम की तैयारी कर रही है। सीएम की? ओहो, इतनी बड़ी, इतना आशीर्वाद, धन्यवाद। लेकिन मैं सीएम नहीं बनना चाहती, मैं वो बनना चाहूँ जब जब कोई सरकार हो, हमारे देश की जनता को या महिलाओं को कुछ ऐसी तकलीफ हो तो मैं उनके लिए एक आवाज उठाऊं तो पूरा उत्तर प्रदेश विधायक बन गए। अरे कौन विधायक बनना, किन-किन मुद्दों पे? अरे कौन बन, कौन रहा? पहले जो बात ही ना तथ्य पे आओ ना, बनी नहीं चाहती हूँ। देश की जो जनता है, देश के जो युवा है और लड़के लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो हर इतनी ही अपनी ताकत रखते हैं, इतनी अपने अंदर मजबूती रखे कि वो एक गलत करने वाले सीएम को उतार के कुर्सी से नीचे बैठा सके, बता सके कि हाँ तुम ये हो और हम ये। दिल्ली कैंट में एक घटना हुई, उसमें गई। बिल्कुल, देखे आज ही मेरी उनसे बात हुई है, मैं आज ही वहाँ पे जाऊंगी। कैसे देख रहे उस घटना को? कैसे, आपको नहीं पता कैसे देख रहे? जो गलत है तो गलत के नजरिए से देखा जाएगा। वहाँ पे गलत हुआ ना, वो इतने दिनों से बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे 200 किसान आते हैं, संसद लगी हुई है, कितने पुलिस है? 50,000-60,000 की समथिंग पुलिस है। अगर इनमें से सिस्टम सही होता और वहाँ पे पुलिस व्यवस्था करी जाती तो क्या अब तक वो आंदोलन में बैठते? नहीं नहीं, जो घटना हुई है उस घटना को आप कैसे देख रहे? कैसे देख रहे, क्या सिस्टम हो रहा देश में? यू ही घटना एक नहीं, आप पुजारी भी रेप करने लगे, गैंग रेप करते मार रहे हैं। अरे भैया इतने तो बाहर आदमी ना, जितने हमारे जेलन में पुजारी हैं, पुजारियों को इतना आप वो दे देते हो हद से ज्यादा। हालांकि उसमें सभी लोग नहीं होते, कुछ लोगों की वजह से इस तरीके की वो आ जाती है, तो इसलिए अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अंधविश्वासी और अंधभक्ति में तो देश का यू हालत है, अंधभक्ति तो कर रहे हैं हम लोग। जब हमने इन्हें लेके आए, हमने इन्हें बिठाया, तो आप अंधविश्वास को नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मंदिर में जाती हूँ? मंदिर जाती हूँ, परमात्मा को मानती हूँ, लेकिन रोज जाकर भगवान के दर्शन, भगवान के मंदिर रोज नहीं जाती हूँ। जाती हूँ जब मेरा दिल करता है, मैं तब मंदिर जाती हूँ, और भगवान की आस्था मुझ में है, मेरी उसमें है, तो क्या मैं मंदिर जाकर ही बताऊँ कि हाँ मैं भगवान को मानती हूँ? ये अंधविश्वास ही और क्या है, जो इतने राम गोपाल जैसों के, राम रहीम जैसों के पीछे इतने लोग लग लिए है और देख लो वे जेल में पड़े, अंधविश्वास ही है और क्या। गाड़ी निकल जाना वो, तो वो अंधविश्वास ही है। जागो अंधविश्वास को, बाहर निकलो, ऐसे ऐसे लोग घाघ बैठे हुए हमें थारे जैसों को लूटने के लिए। अंधविश्वास तो राजनीति में भी है, योगी जी कहते हैं वो अंधविश्वास। भाई एक बात बताओ, अंधविश्वास था जब ही तो योगी मोदी सरकार आई ही, अंधभक्त जब ही तो आई। हम तो कह रहे हैं करना बहुत गलत है, अगर ऐसा अंधविश्वास हम नहीं करते तो आज हमारी देश की जनता को आंदोलन करने की जरूरत नहीं होती। युवाओं को, 59,000 युवा
जो एससी है एससी है लखनऊ में जाके आंदोलन कर रहे, उनके अधिकार छीन लिया, आरक्षण छीन लिया, आरक्षण की चोरी कर ली, ठीक। तो ये आज हालात नहीं होते अगर अंधविश्वास ना करते। लेकिन योगी जी फिर भी कहते हैं, एंकर पूछती है सवाल तो कहते हैं जैसे आप फंस के बोल रही है वैसे हम 300 पार ले आएंगे। एक बात बताओ, खैर कहना ना चाहिए मुझे, एंकरों को जो स्क्रिप्ट वो देते हैं वो सवाल उनसे करती हैं। क्या एंकरों का ये काम है कि आप आम कैसे खाते हो, आप चाय किस टाइम? तो वो एंकर तो अक्षय कुमार पूछ रहे हैं वो, तो सुन लीजिए, ये जब हम किसी सवाल पूछेंगे तो एंकर होंगे नहीं होंगे, बताओ आप। जो हम किसी, आप मेरे से सवाल पूछे, ये मेरे से सवाल पूछेंगी तो क्या ये एंकर नहीं होंगे? क्या ये बेसिक नहीं है? जल्दी ये आप ऐसे, और अक्षय कुमार जी जिन्हें लोग इतना फॉलो करें, वो व्यक्ति ऐसे तरीके के सवाल पूछे तो देश में कितना उद्धार होगा, मेरे ज्यादा आप जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में राजनीति को कितना प्रभावित करने वाली है ये किसान नीति? अकेले अकेले करो काम, ऐसे करो कि लोग आपके साथ जुड़ जाएं। हाँ। मेरा मानना है, हाँ। ऐसे थोड़ी मानिए ये मेरे साथ है, अगर मैं और ये दोनों एक काम पे चले जावे, एक काम पे, हाँ। तो एक ही काम होगा। अगर मैं अलग काम पे जाऊँ और ये अलग जावे, हाँ। किसानों का वो कर नेतृत्व, तो दो हो गए नहीं हो गए? तो इसलिए काम ऐसे करो जिससे सहयोग पूरे देश में और भारत में। राजनीति से अभी आपको काफी दिक्कतें हैं, राजनीति में जो कुछ हो रहा है और देश की संसद में जो कुछ हो रहा है, तो सांसद बनने से क्या दिक्कत है? मैं देखिए अभी मैं राजनीति को सीख रही हूँ, सीखनी चाहिए। जब दौर आया, इतनी परेशानी, इतनी समस्या, इतना वो है, सिस्टम खराब चल रहा, तो मुझे अब ये नतीजा जो है, ये अनट्रेंड जा के कूद के बैठ गए पार्लियामेंट में, जब ही तो यूज भुगतना पड़ रहा हमें सिस्टम। अब जो अभी हम सीख रहे हैं, तजुर्बे ले रहे हैं, तजुर्बे ले रहे हैं, और जब हमारे देश को या हमारे प्रदेश को हमारी जरूरत होगी तो बिल्कुल आवेंगे। मतलब लेकिन अभी हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। मतलब हाँ बिल्कुल, जब उत्तर प्रदेश को या देश को हमारी जरूरत होगी तो बिल्कुल लड़ेंगे। अभी हम अनट्रेंड अनट्रेंड वहाँ बैठे, देश को हो रहा पार्लियामेंट रहा चल रही ढंग में, अनट्रेंड बैठे जाकर कूद के जीत गए जी, मोदी जी के नाम पे वोट हो गया, आगे सरकार बन गई, ऐसा ऐसी सरकार कोई भी आए हमें, क्योंकि हम है ना, हमारी बात हम किसान है, हर मौसम में रहना आता है हमें, हर मौसम में काम करना आता है, हम उसे किसी को करके खिला सकते हैं ना, तो उसके मुंह में से हाथ दे के निकालना भी चाहते हैं। एक आध पर्ची वर्ची से लग रही है अंदर लाल।